हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड आई एम सीएस बाय प्रोफेशन। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज़ आर न्यू वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। एंड उनके बारे में मैं कुछ 5 बातें आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है तो बेसिक आइडिया हो जाए भाई हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एजुकेशन, बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन राजस्थान विलेज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से कंप्लीट करी थी। एंड ही डिड ग्रेजुएशन इन फिज़िक्स और देन ही परस्यूड LLB फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर जो बच्चे ये सोचते हैं कि LLB का क्या फ्यूचर है, हेयर इट इज़, आप बाद में पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर यहीं से हम बात करें इनका करियर इन लॉ में कैसा था, तो ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स इन राजस्थान एंड प्रैक्टिस्ड इन बोथ द राजस्थान हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। ही ऑल्सो हेडेड राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और अगर हम बात करें इनकी पब्लिक लाइफ, मतलब पॉलिटिकल लाइफ, तो ही गेट इन टू पॉलिटिक्स इन 1989 एंड वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम राजस्थान झुंझुनू इन द सेम ईयर। ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन द जनता दल गवर्नमेंट लेड बाय चंद्रशेखर। एंड देन अगर नेक्स्ट हम पॉलिटिकल करियर या पब्लिक फिगर की, सो ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बाय प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इन 2019। And after becoming the governor of West Bengal, Dhankar had frequent altercations with the state government and chief minister of the state, Mamata Banerjee, throughout his tenure. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि he was very vocal and kind of vocal critic of the third Banerjee ministry of its management of 2021 post poll violence in West Bengal. And one more interesting fact about him is that he had appeared in the Satluj River water dispute in 2016 and he argued on behalf of the state of Haryana in the Supreme Court of India. Later he resigned as governor on 17th July 2022 after being nominated as the vice presidential candidate of the NDA. और क्या आपको पता है, he has been projected as a kisan putr, farmer's son, by the BJP. So on 18th of July he filed his nomination papers for the vice president elections and the elections went underway on 6th August and the same evening today counting of votes were carried out. Dhankar is emerged victorious by securing 528 votes out of 725 MP votes from the lower and upper houses. Now the last thing, personal life. In small village Chunjunu in the state of Rajasthan in a Hindu Jat family, and he is married to Sudesh Dhankar in 1971 and 1979 and they have a daughter Kamna. So this is all and आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना। अगर आप इस टाइप की वीडियोस और चाहते हो तो कॉमेंट करके आप सजेस्ट भी कर सकते हो मुझे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।